नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। দলের তরফ থেকে আমরা সবাই মিলে আমাদের সব গুরুজনকে অযোধ্যা নিয়ে গিয়ে আমার ঠ্যাং ভাঙলে ভেঙে দাও, রামের নাম যারা করছে তাদের যে পা ভেঙে দেবো, যারা ষড়যন্ত্র করছে, পাণ্ডবেশ্বর প্রত্যেকটা গলিতে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে আওয়াজ উঠবে জয় শ্রী পাণ্ডবেশ্বর। से आप तृणमूल विधानसभा प्रत्याशी में खड़े हुए, यहाँ से यहाँ पहले के विधायक रह चुके जितेंद्र तिवारी, जो कि तृणमूल छोड़कर बीजेपी में चले गए, और अभी आप उनके जगह पे आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए टीएमसी में, तो आपको क्या लगता है कि जितेंद्र तिवारी को टक्कर देकर आप ये पाण्डवर सीट को जीत पाएंगे? उनकी जगह में खड़ा नहीं हुआ ममता बनर्जी, हमको तृणमूल कांग्रेस को प्रत्याशी करके इन्हें भेजे हैं। जितेंद्र तिवारी को ममता बनर्जी पहले दिए थे, उनका आशीर्वाद लेकर वो विधानसभा में गया था, मगर पीठ पीछे छुरी मार के वो हमारे पार्टी से भाग गया। तो जिसके ऊपर ममता बनर्जी का हाथ है, जिनको साथ उन्नयन का साथ है, उनको जीतने का सिर्फ दिन गिनना है। कोई जितेंद्र तिवारी वाड़ी बंगाल में टिकेगा नहीं, निश्चिंत रहिए। जनता के सामने आप क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? जनता का पास हमारे एक ही मुद्दा है, उन्नयन, ममता बनर्जी। हम बंगाल में विकास करेंगे, हम बंगाल का आदमी को साथ देंगे, 24 घंटा बंगाल का साथ तृणमूल कर्मी लोग रहेंगे। और उन्नयन क्या चीज है, ममता बनर्जी को बंगाल का आदमी को दिखाए, दायबद्धता क्या चीज है बंगाल का मनुष्य को ममता बनर्जी दिखाए हैं। तो उसी लिए उन्नयन हमारा पहला अस्त्र है जो लेके हम लड़ाई में उतरे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि हम हर घर में जाएंगे, हर दर्जा में जाएंगे, हर वोटर को पास जाएंगे, पहुंचेंगे उन लोग का आशीर्वाद लेने को लिए। तृणमूल का एक नारा जो है बहुत प्रचलन में चल रहा है अभी, खेला होवे। तो ये खेला होवे क्या है? खेला होवे का जो नारा है, ये खेला है उन्नयन का खेला, ये खेला है शांति का खेला, ये खेला है सांप्रदायिकता विरुद्ध में लड़ने का खेला, ये है ममता बनर्जी का भंगा पाए खेला।